नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हुसैनाबाद की बेटियों ने बढ़ाया पलामू मान। राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में पलामू को दिलाया तीसरा स्थान। विगत दिनांक 8 नवंबर 2018 को कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तहत हुसैनाबाद महिला कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का चयन धनबाद में आयोजित राज्य स्तर कबड्डी प्रतियोगिता में हुआ था, जिसमें कि हुसैनाबाद के चयनित खिलाड़ियों में सरस्वती रंजन, गंगा केशरी, नेहराज, प्रियराज, बबली कुमारी का नाम प्रमुख है। खिलाड़ियों ने बताया कि पूरे झारखंड से 16 टीमें ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें सभी टीमों ने अपनी पूरी कोशिश की, जिसके बाद प्रथम स्थान पर बोकारो, द्वितीय स्थान पर जामताड़ा व तृतीय स्थान पर पलामू टीम ने अपना कब्जा रहा। वहीं चौथे स्थान पर लोहरदगा की टीम काबिज हुई, जिसमें पलामू की टीम का प्रतिनिधित्व कैप्टन आफशा, प्रवीण, प्रियराज, गंगा केसरी, सरस्वती रंजन, नेहा राज, बबली कुमारी, मनीता कुमारी, सिमरन पांडे, वीणा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया और पलामू को राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करवाया। इस अवसर पर पलामू टुडे की टीम इनके जीत पर बधाई देती है और इन खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करती है। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तहत अभी जो विनोबा भावे खेल संघ के द्वारा 12वीं झारखंड स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन धनबाद में हुआ था, वहाँ हम लोग पलामू टीम से गए थे, जिसमें जपला से 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था और डाल्टनगंज से 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। हम लोग को धनबाद में एक आश्रम में हम लोग का खेल का आयोजन किया गया था और वहाँ पर पूरे झारखंड से 16 टीम आई हुई थी। 16 टीम ने बहुत ही जोरों शोरों से अपने खेल का प्रदर्शन किया। वहाँ के लोगों में बहुत ही अच्छा गेम के प्रति बहुत ही जागरूकता थी। हुसैनाबाद के देवरी स्थित सोनभद्र नदी में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाया श्रद्धा की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देवरी सोनभद्र में काफी संख्या में लोग पहुँचे। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक मास को पुण्य मास माना जाता है। इससे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान व दान का खास महत्व है। आज गंगा व अन्य नदियों में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आसपास के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हुसैनाबाद देवरी स्थित सोनभद्र नदी काफी संख्या में पहुंचे हैं। मान्यता है कि कुश लेकर इस तिथि पर गंगा स्नान या स्नान करने से सात जन्म के पापों का नाश हो जाता है। धन्यवाद।